हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एवरीथिंग एक्सप्लेन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम एक लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मेरा जो मैक्सिमम ऑडियंस बांग्ला ऑडियंस है वो हिंदी समझता है, और जो हिंदी ऑडियंस मेरे पास आ रहा है वो डिमांड कर रहा है कि हिंदी में वीडियो बनाएं, तो इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, मेरा हिंदी को जज मत करना, वो हिंदी मुझे ज़्यादा आती नहीं है और आता नहीं है। हाँ, यही बोल रहा था, वो थोड़ा ग्रामेटिकली प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लेना। तो चलिए, तो ये वाला जो भी वीडियो है स्प्लैश स्क्रीन का या लॉगिन स्क्रीन का, ये जो वीडियो होगा वो ईपी ट्रैकर जो ऐप है, फिर उस ऐप का जो भी सीरीज में वीडियो आएगा उसका ये फर्स्ट पार्ट है या फिर आप कह लो पार्ट वन है इस तरीके से। तो फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ईपी ट्रैकर करके, ओके ठीक है। तो फिर हम माई प्रोजेक्ट में जाते हैं और फिर यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट इसमें क्लिक करते हैं। उसके बाद हम नाम क्या देंगे, ईपी वही नाम देंगे क्या, हाँ, ईपी ट्रैकर, ट्रक डबल के कर देते हैं, ईपी ट्रैकर, ओके। और उसके बाद ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम ऐसा ही रख देते हैं, उसके बाद फिनिश कर देते हैं, उसके बाद कुछ देर वेट करते हैं। तो फिर हमारे जो भी प्रोजेक्ट है वो आ गया है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, इस कॉमन प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, उसके बाद ये टाइटल वाइटल जो भी है उसे हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर टाइटल को हम विजिबिलिटी को फॉल्स कर दिया, ओके। और एक काम करना है, इसका जो प्राइमरी कलर है स्टेटस बार, टाइटल बार नहीं, जस्ट स्टेटस बार, उसको हम पूरा का पूरा येलो कर देंगे, ठीक है, येलो कर देंगे ऐसे, ओके। एक काम करते हैं, येलो नहीं, इसे और थोड़ा डार्क, ये जो कलर है ऑरेंज वाला इसको देखते हैं, ये जो कलर है जो भी नाम है इसका पता नहीं क्या है, एम्बर, तो इस कलर को हम सेट कर दिया, ओके। इसके बाद ये जो स्क्रीन है उसके बाद हम एक काम करेंगे, लेआउट में आके यहाँ पे एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेंगे और फिर हम उसे हाइट एंड विड्थ जो भी है उसको फिल पर इन कर देंगे। उसके बाद इसका जो अलाइन है इसे हम सेंटर कर दिया, ओके हो गया काम। उसके बाद हम एक इमेज लेंगे जो कि एक यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट है, हाँ, तो फिर हम एक इमेज लिया, ओके। और इसके जो इमेज होगा उसका पहले हम एसेट फोल्डर में या यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं उस इमेज को, ठीक है। तो फिर वो हमें कहाँ मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, ये वाला जो भी इमेज है इसे हम अपलोड कर लेंगे यहाँ से, ये वाला जो भी इमेज है, ओके। उसके बाद इसे हम सेट कर देते हैं, ये वाला इमेज जो भी है, और वर्टिकल अरेंजमेंट का जो भी बैकग्राउंड कलर है ये वाला कलर सेम कलर हम कर दिया, ओके वाह। उसके बाद इसका जो हाइट और विड्थ है वो हम परसेंटेज देंगे, तो इसका जो विड्थ है वो 20% ऑफ स्क्रीन होगा, स्क्रीन का 20%, और इसका वन हाइट, अच्छा ठीक है, हाइट 20% होगा और विड्थ जो होगा वो 40% होगा, पूरा स्क्रीन का 40%, ओके वाह। उसके बाद हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इस ऐप का जो भी नाम है वो नाम नीचे लिखना पड़ेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, यूज़र इंटरफेस में आके यहाँ पे एक लेबल लेंगे, ठीक है, उस लेबल को, उस लेबल का जो फॉन्ट साइज़ है वो 25 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट लिख देते हैं, ईपी ट्रैकर TRA KK यूज़ किया, ये सही मीनिंग नहीं है लेकिन एक ही प्रोजेक्ट हमारे पास है इसीलिए हमने उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, ओके, ईपी ट्रैकर, ओके। उसके बाद एक काम करते हैं, हम
स्मार्टफोन में आके हमारा जो मोबाइल फोन है उसमें आके देखते ये कैसे लगता है। और हाँ, एक काम और बाकी रहेगा, स्क्रीन में जो और एक कलर है, हाँ, नेविगेशन बार कलर, उसे भी हम येलो कर देंगे तो फिर बढ़िया लगेगा। लग तो ऐसा ही रहा, तो फिर हम मोबाइल में जाके देखते कि एक कैसा लगता है। तो मोबाइल की जो भी स्क्रीन है आप देख सकते हो, यही प्लस स्क्रीन है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक काम करेंगे, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट हमने लिया है इसका, इसको हम रीनेम कर देंगे कि ये जो है ये है प्लस स्क्रीन। तो हमने इस वर्टिकल अरेंजमेंट का जो भी नाम है प्लस स्क्रीन वो हमने दे दिया है, ठीक है। उसके अंदर एक इमेज है और एक लेवल है जो जिसका जो भी है रिनेम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्लिकेबल नहीं है, मतलब इसे हम ब्लॉक नहीं लिखेंगे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस प्लस स्क्रीन को हमने क्या करा, इनविजिबल करना है, तो फिर हम इनविजिबल कर दिया। उसके बाद और एक लेआउट लेंगे जो कि किसका होगा, हम लॉगिन स्क्रीन जो भी हम क्रिएट करेंगे उसका होगा, ठीक है। तो वाला स्क्रीन ले लिया। उसके बाद हमें एक इमेज और चाहिए होगा जो हम अपलोड कर लेते हैं, वर्ल्ड मैप ब्लर ये वाला इमेज। तो ये वाला जो भी इमेज है वो इमेज में आके हम दे देंगे, तो ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, नीचे लॉगिन स्क्रीन बनाया था और ऊपर में कुछ लेबल में कुछ लिखा था जो कि हम एक काम करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। यूजर इंटरफेस में आके एक बटन हमने ले लिया, इसका जो अलाइन है उसे सेंटर कर देते हैं और वर्टिकली जो अलाइन है उसे हम सेंटर नहीं बॉटम कर देते हैं, बिल्कुल नीचे। उसके बाद इसे थोड़ा फिल विद, इसका जो विद है उसे फिल पैंट कर दिया, और इसका जो टेक्स्ट है उसे हम करेंगे गूगल लॉगिन, ठीक है। उसे हम क्या करेंगे, गूगल लॉगिन। तो हमने इसे लिख दिया है कि ये गूगल लॉगिन का जो भी स्क्रीन है वो है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, इसकी जो फॉन्ट साइज है, इसकी जो फॉन्ट साइज है उसे ज़्यादा कर देते हैं, 25 कर देते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और एक काम करते हैं, हमें स्पेस चाहिए होगा, तो फिर हम लेआउट में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, उसके बाद स्पेस नीचे से ले लेंगे। और इसका जो हाइट रखेंगे, ये पूरे स्क्रीन का जो भी हाइट है उसका 10%, ठीक है, उसका 10% हाइट, मतलब 10% ये ऊपर में होगा, ये कुछ ज़्यादा हो गया, हम 7% करते हैं, ठीक है, 7% होगा। और उसके बाद यहाँ पे लेबल में कुछ लिखा आएगा, तो हमने कुछ वैसा ही लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन कर लिया जैसे हमने पहले वाला जो भी ऐप है उसके जैसा, ठीक है। तो हमने एक लॉगिन क्या बोलते हैं इसे, वर्टिकल अरेंजमेंट लिया, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस दिया, उसके बाद यहाँ पे एक लेबल पे हमने लिखा है कि ये नोट अबाउट प्राइवेसी, ये जो भी है यहाँ पे जो भी हमने लिखा है ना वो आपकी जो ऐप है उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाय कंटिन्यूटी यूज़ ईपी ट्रैकर, वो वाला जो भी है उसका ही हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, प्राइवेसी पॉलिसी का एक लेबल दिया है, ये क्या क्लिकेबल रखा है कि अब अगर आप इसको क्लिक करके किसी वेबसाइट में जाके इस ऐप का प्राइवेसी पॉलिसी आप बताना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बटन जैसा काम करेगा, इसीलिए हमने ऐसा किया। और इसका जो फॉन्ट है वो आप देख ही सकते हैं, इसका फॉन्ट नहीं, इसको हमने फॉन्ट इटैलिक कर दिया है। उसके बाद गूगल लॉगिन का ये बटन है, और नीचे से एक स्पेस लिया है जो 5% हाइट का है, ठीक है। उसके बाद हम ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद ब्लॉक करेंगे। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, जो भी लॉगिन स्क्रीन का विजिबिलिटी है उसे पॉज कर देते हैं और इसका विजिबिलिटी ट्रू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्लॉक सेक्शन में जाके ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक सेक्शन में आते ही पहले ही जब स्क्रीन इनिशलाइज होगा तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए। तो फिर हम एक काम करते हैं, डिज़ाइन में आके हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए होगा तो हम वो ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं।
ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा सेंसर में एक क्लॉक कंपोनेंट, ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए होगा, उसके बाद हमें स्टोरेज में, नहीं, स्टोरेज में नहीं, गूगल में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम एक काम करेंगे, हम फायरबेस का जो ऑथेंटिकेशन है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, यू नीड ए अपलोड ए फाइल नेम्ड गूगल सर्विस डॉट जेसन टू द एसेस्ट फोल्डर इन ऑर्डर ऑफ द एक्सपोर्ट दिस ऐप। यू कैन गेट दिस फाइल फ्रॉम द फायरबेस कंसोल। इसका मतलब कि ये जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन है ना, आपको फायरबेस कंसोल में जाके एक जो भी गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल है उसे लाना है। उसके बाद आप एसेट फोल्डर में आके उसे पेस्ट करके आप काम कर सकते हैं, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो ये जो भी सिस्टम है फायरबेस पे, कैसे अकाउंट ओपन करे, उसके बाद जो भी फायरबेस ऑथेंटिकेशन की जो भी सर्विस है, कैसे उस जेसन फाइल को लाए, उसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वाला वीडियो आप पहले देखिए, उसके बाद ही आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो हम एसेट फोल्डर में जाते हैं, अपलोड एसेट, या फिर मेरे पास एक गूगल सर्विस का फाइल है, जेसन फाइल है, और ये फाइल कैसे आया मेरे पास और कैसे हम ले सकते हैं वो भी फायरबेस के थ्रू, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम ओपन कर लिया, ठीक है, गूगल सर्विस डॉट जेसन। उसके बाद हम ब्लॉक सेक्शन में आएंगे और ब्लॉक करेंगे, ठीक है। उसके पहले एक काम करते हैं, इसका जो क्लॉक टाइमर है उसे इनेबल कर लेते हैं। इसका जो टाइमर इंटरवल है, आप स्प्लैश स्क्रीन कितने देर तक दिखाना चाहते हैं, वो हमने 2 सेकंड, हमें 2 सेकंड तक हम दिखाना चाहते हैं जो भी स्प्लैश स्क्रीन है, इसलिए हमने 2000 मिली सेकेंड्स कर दिया, ठीक है। तो अब जब स्क्रीन इनिशियलाइज होगा तब क्या होगा, तब स्प्लैश स्क्रीन जो भी है वो विजिबल हो जाएगा, तो हम इसे विजिबल कर देते हैं। ओके, हम ये लॉजिक पे जाएंगे और यहाँ पे जो ट्रू है से ऐसे फिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन स्क्रीन जो है वो क्या होगा, इनविजिबल होगा, जब भी इनिशियलाइज होगा तब स्प्लैश स्क्रीन दिखाएगा। नहीं, ये वाला नहीं, हमें क्लॉक चाहिए, हम क्लॉक को इनेबल कर देंगे, ठीक है। क्लॉक वन का जो टाइमर है उसे हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद जो जितना भी टाइम है, मतलब 2 सेकेंड हमने टाइम इंटरवल दिया है, तो 2 सेकेंड के बाद ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ अगर अगर फायरबेस पे साइन इन है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ब्लॉक मिल जाएगा इज साइन इन, ठीक है। मतलब हमने पहले लॉग इन साइन इन कर लिया है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमें फिर से लॉग इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल में जाके ओपन अनदर स्क्रीन कर देंगे, ठीक, ओपन अनदर स्क्रीन कर देंगे, और कोई स्टार्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो फिर हम जस्ट अनदर स्क्रीन ओपन कर देंगे। उसको जो भी स्क्रीन होगा वो होम स्क्रीन होगा, उसके लिए हम एक स्क्रीन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं होम, ठीक है, जस्ट होम, इतना ही। तो फिर हमें और एक स्क्रीन मिल जाएगा, तो ये वाला स्क्रीन। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले वाला स्क्रीन में आते हैं, स्क्रीन वन पर, ठीक है। तो फिर हम ब्लॉक सेक्शन में आते हैं, उसके बाद हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसे हम क्या कर देंगे, स्क्रीन नेम क्या है, जस्ट होम, ई जो एम ई, ठीक है। उसके बाद अगर ए साइन इन है तो क्या करेगा, होम जो स्क्रीन है उसे ओपन कर देगा, ठीक है, मतलब होम स्क्रीन में ले चला जाएगा, तो फिर लॉगिन स्क्रीन का कोई झंझट ही नहीं है। अगर नहीं हुआ, एल्स, अगर साइन इन नहीं है तो फिर क्या होगा, साइन इन का जो भी क्या है पेज है, और तो लॉग इन स्क्रीन का जो भी स्क्रीन है उसे विजिबल करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनविजिबल है ना, तो उसे हम विजिबल कर देंगे, ठीक है। विजिबल करने के बाद हम एक काम करेंगे, ये जो स्क्रीन है ना इसे एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें यूटिलिटी पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम एक काम करेंगे, एनिमेशन यूटिलिटी ले लेंगे, ठीक है। तो एनिमेशन यूटिलिटी पे आ जाएंगे,
उसके बाद हम एक एनिमेशन दिखाएंगे इसे बाउंस वर्टिकल, ठीक है? तो फिर हम एक काम करते हैं, तो हमें जो भी लॉगिन स्क्रीन है उसे हमें वर्टिकली बाउंस करना है, तो हम कंपोनेंट लॉगिन स्क्रीन दे देंगे। इसका जो स्टार्ट पोजीशन होगा वो क्या होगा, ऊपर से आएगा। उसके लिए हम माइनस करते हैं, एक काम करते हैं इसे जीरो कर देते हैं। उसके बाद हम एक काम करते हैं, स्क्रीन का जो भी हाइट है तो उसके लिए स्क्रीन 1 पे आते हैं, और यहाँ से हम किसी को बाहर निकल के इसको हाइट कर देते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर हम डिवाइडर ले लेते हैं, इसको यहाँ भर देते हैं, ठीक है? और ये जो 0 है इसे हम 2 कर देते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है? स्टार्ट पोजीशन जो होगा वो है 0 से माइनस करेगा स्क्रीन का जो भी हाफ पोर्शन है वो पोर्शन माइनस करेगा, और ये जो एंड होगा वो 0 में होगा, मतलब तो जहाँ पर है वहीं पर। और इसका जो ड्यूरेशन होगा, ये काम करने के जो भी वक्त से हम देंगे वो 700 मिली सेकेंड कर देते हैं, 700 मिली सेकेंड, ठीक है? तो काम हो गया, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो स्प्लैश स्क्रीन जो विजिबल है उसे हमें फॉल्स करना है। तो ये पहले करना है, फिर हम इसे ऊपर रख देते हैं। पहले स्प्लैश स्क्रीन विजिबिलिटी फॉल्स होगा, उसके बाद लॉगिन स्क्रीन विजिबिलिटी ट्रू होगा, उसके बाद लॉगिन स्क्रीन क्या करेगा, बाउंस करेगा वर्टिकली जो एनिमेशन है वो, और उसके बाद क्या करेगा, ये एक ही बार काम करेगा, बार बार नहीं काम करेगा। तो उसके लिए क्लॉक जो है उसे हम विजिबिलिटी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है? ये क्लॉक जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप में काम नहीं करेगा। तो अब इसे हम इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और हम इसे चेक करेंगे। तो हम मोबाइल स्क्रीन में आ गए, उसके बाद हम इसे रिफ्रेश कंपेनियन स्क्रीन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इस प्लस स्क्रीन विजिबल हुआ है, उसके बाद आप एक एनिमेशन देख सकते हैं, खूब ही छोटा सा एनिमेशन। हम इसे दोबारा से दिखाते हैं रिफ्रेश कंपेनियन स्क्रीन, उसके बाद आप देख सकते हैं छोटा सा स्प्लैश स्क्रीन जाने के बाद छोटा सा एक एनिमेशन आप देख सकते हैं। और बस आज के वीडियो में इतना ही, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लॉगिन स्क्रीन को क्लिक करके हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को कैसे यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? वैसे आप देख लीजिए क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन में फायरबेस ऑथेंटिकेशन की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।